सिवान पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सिवान एसपी नवीन चंद्र झा के नेतृत्व में सिवान और छपरा सीमांचल इलाके से जाली नोट छापने की मशीन के साथ चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। वही गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4,55,000 रुपए के जाली नोट और जाली नोट छापने वाली मशीन, 4 मोबाइल, 1 पिस्टल और 2 बाइक सिवान पुलिस ने जब्त की है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के बसंतपुर से, जहां पर एसपी ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले का खुलासा किया है, जो सिवान में कई महीनों से धड़ल्ले से जाली नोट छापने का कारोबार करते थे। आखिरकार सिवान के एसपी ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले को उजागर कर दिया और मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वही इस पूरे मामले पर सिवान एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी बसंतपुर थाना इलाके में नोट छापने का काला कारोबार चल रहा है। फिर सिवान पुलिस कप्तान ने महाराजगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें सिवान पुलिस को सफलता हाथ लगी। ये चारों में से एक छपरा और 3 सिवान के पकड़े गए कारोबारी है। वही सिवान पुलिस पूरी तरह से इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिरकार यह गिरोह कब से काम कर रहा था और इनका नेटवर्क कहां कहां है और इस नोट की सप्लाई ये लोग कहां कहां किया करते थे। इस पूरे मामले पर सिवान के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सूचना प्राप्त हुई थी हमसे कि खोरी पाकर में कुछ लोग जाली नोट छापने का कार्य कर रहे हैं, फिर उसका वितरण करते हैं लोगों के बीच में। एएसपी सर्किल इंस्पेक्टर महाराजगंज और थाना अध्यक्ष बसंतपुर और भगवानपुर और अन्य लोगों के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई, तो ये जो पीछे 4 लोग खड़े हैं, इन लोगों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अंशु कुमार चोरमा भगवानपुर का है, पंकज कुमार बलथरा बसंतपुर का, राजेश चतरा कोपा का है और दिनेश कुमार सहनी चोरमा भगवानपुर का है। इन लोगों का जो एमओ था वो ये था कि प्रिंटर जो आप देख रहे हैं, प्रिंटर पे ये जो वास्तविक नोट होता है उसको स्कैन करके दोनों साइड से प्रिंट करके फिर उसको सही तरीके से काट के और 100, 2000, 500, 20, 10 रुपये के, 50 रुपये के डिनोमिनेशन के नोट्स छापते थे। और ये जो आपको कागज़ दिख रहा है ये प्रिंटेड है, अभी ये लोग काट नहीं सके थे, इनके घर पे छापेमारी किया गया है तो ये बरामद किया गया। इस प्रकार के कुल मिला के अभी तक जो हमने काउंट किया है तो 4,55,000 रुपये के जाली नोट्स प्रिंटेड और गड्डी के रूप में बरामद किया गया है इनके घरों से,